हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स क्या होता है? एसिड्स आर सार इन टेस्ट, मतलब एसिड खट्टा होता है। अब ये एसिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट से डिराइव होता है, जैसे लेमन में जो होता है साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और अगर देखें तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ये वो सब एसिड होता है जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग खाते हैं ना ऑरेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो एसिड होता है मिनरल एसिड, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग नहीं खा सकते हैं, जैसे कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब मिनरल से डेराइव होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोरोजिव होता है। यदि हम अपने हाथ में ये एसिड गिरा लें तो हम लोग का हाथ जल जाएगा, इसीलिए ये एसिड हम लोग को छूना भी नहीं है। अगर हम लोग इससे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट वी शुड डू दैट। दूसरा बात ये है कि जो एसिड है उसका प्रॉपर्टीज आता है। तो एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, वो मेटल से जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है वो सारे मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन वो मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तो देंगे, पर हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है, जैसे कि सब एग्जांपल्स बोल रहे हैं हम, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये सब एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। और दूसरा, अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं और वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जो हाइड्रोजन फॉर्म होगा उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से एसिड रिएक्ट करता है तो फिर वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस जैसे एसिड का टेस्ट होता है सार, बेसिस का टेस्ट होता है बीटर। स्ट्रांग बेसिस का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि वो हाथ पे गिरे तो वो भी कोरोजिव है, हम लोग का हाथ जला सकता है, इसलिए उसको ट्राई कभी नहीं करना चाहिए। वीक बेस का एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो हम लोग हाथ में अगर गिर भी जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर स्ट्रांग बेस को एकदम नहीं टच करना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसको डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट क्या होता है? मतलब कोई एसिड है उसमें अगर हम इतनी से एसिड में बहुत सारा वाटर डाल दें, या बहुत सारा वाटर मान लो एसिड डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, उससे एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड देने से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एसिड स्प्रिट आउट हो जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां हम लोग का हाथ जल जाएगा, कपड़ा भी गिरेगा, कपड़ा जल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डाइल्यूट एसिड ज्यादा यूज करते हैं। और अब जो बेसिस होते हैं, बेसिस जो होते हैं ये कैसे टेस्ट होते हैं, इनके बीटर। अब जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल है उनको बोलते हैं हम लोग एल्केलीज, और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उसको हम एल्केलीज नहीं बोलते हैं, ठीक है।